बॉयज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक खैर खरीत से? काफी अरसा हो गया था हमारी आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, हमने सोचा एक थोड़ी सी मुलाकात कर ली जाए, अपडेट वीडियो बना ली जाए, कुछ आप लोगों के सवाल जवाब हो, कुछ आप लोगों के सवाल जवाब होंगे उनके जवाब दे दें। दहो या गाइस, यह बंदा मैनू छेड़ रहा है वेखो। खैर जी बॉयज, आपको एक छोटी सी अपडेट दें, अपडेट ये दें कि फिलहाल Your boy is sitting in new project. अगर आप सोच रहे हो कि हमारा न्यू प्रोजेक्ट है तो bro, it's a clickbait. फिलहाल सीन ये है कि हमारे पास होंडा से भी 2/3 CF हमारे हाथ चढ़ी है, इसका एक प्रोजेक्ट करना है हल्का फुल्का सा। फिलहाल इसके छोटे मोटे काम थे, छोटे मोटे काम ये थे कि इसका जो मीटर था उसकी जो सुइयाँ होती हैं वो सही तरह पप्पू किस्म की जल नहीं रही थी, ठीक है। उसके बाद इसकी जो फ्रंट लाइट्स हैं वो शैम्पू ही हुई हैं, तो उनका भी अभी हिसाब किताब लगाना है, क्योंकि CF है, CF की ओरिजिनल CF है, उसकी एक लाइट आती है ब्लू, ये ऑरेंज इंडिकेटर के साथ, क्या लाइट है यार वो। लेकिन इसकी जो शादी वाली आती हैं तो अभी इसकी लाइट है अगली बिल्कुल फारग हुई हुई थी, उनकी कंडीशन भी आपको चेक कराता हूँ। उसके बाद बैक लाइट से एक ट्रंक की जो लेफ्ट साइड की जो ट्रंक वाली लाइट है वो सेट होने वाली थी, वो भी खोली है। उसके अलावा इसका जो एक ये वाला मिरर था ना, साइड मिरर, ये रिट्रैक्टेबल नहीं हो रहा था, इसको भी खोला है। उसके बाद भाईजन गाड़ी पे आए तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह इज़ वेरी स्मूथ, 2002 मॉडल के लिहाज से बड़ी पप्पू गाड़ी, कंडीशन में आए तो कंडीशन इज़ वेरी गुड, एवरीथिंग वेरी गुड, मैनुअल विद सनरूफ, ओहो खूबसूरत निज़ाम। तो फिलहाल भाईजन बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के आज इसके छोटे मोटे काम हैं, काफ़ी सारे काम हैं, सारे आपको डिटेल देते हैं, बाकी अपनी मेहरान के बारे में भी आपको डिटेल देते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो चलो शुरू करते हैं। फिलहाल बाहर मेरे ख्याल से लाइट आ गई है, आपको लाइट दिखाता हूँ मैं। ओके की बने उस्ताद जी? यार वो तो बड़ी महंगी है, 15,000 एक दोनों। दो। दो। बड़ी माड़ी हुई पी है, वो तो साफ हो जाएगा। सो जी बॉयज, हियर इज लाइट्स, लेकिन इनके कोई हिसाब किताब नहीं बन रहा, क्योंकि तो कंडीशन ही बड़ी रफ है, वो तो कह रहे हैं वर्कशॉप हो जाएगी, लेकिन भाई 15,000 रुपया मांग रहे हैं अगले। लाइट तो अच्छी थी बट समझ में नहीं आती अभी फिलहाल, आपको ना देखते हैं, अपना बजट भी ना बड़ा थोड़ा सा है, तो उसके हिसाब से देखें, अगर हम ये लाइटें ले लेंगे तो तकरीबन अपना सारा बजट ही लाइटों पर लग जाएगा। फिलहाल आपको अगर कंडीशन दिखाऊं, स्विच बॉयज ये है इसकी फ्रंट लाइट, ये है जी इसकी राइट लाइट, राइट नहीं लेफ्ट लाइट, इसकी कंडीशन काफ़ी बेहतर है, ठीक है। लेकिन जो है ना ये चीज़, ये लाइट, ये बड़ा काम ख़राब किए बैठी, ये देख रहे हैं ये अंदर से सारा क्रोम जो है ना इसका वो टूटा पड़ा है। अब हमें समझ नहीं आ रही कि ब्रदर इसके साथ क्या किया जाए, जेब कहती है जुगाड़ लगाया जाए, दिल कहता है चेंज की जाए। सर ये चाबी है है। दो इंसान कमले हुए पे ने मीटर ना खोल लिया, तो मीटर का हमारा रोला ये था कि हम मीटर लेके आए थे कि इन सुइयों में से हमने लाइटें निकालनी है, ठीक है। लेकिन अब हमें सारा मीटर खोल के दरियाफ्त ये हुआ है कि जो ईएस है ना उसकी मीटर जो है उसमें सुइयों में लाइटें जलती हैं, इसमें रिफ्लेक्ट होती हैं जस्ट, तो हमने हार मान के दोबारा मीटर को साफ़ सफाई कर रहे हैं, और इसके बल्ब शलब में LED डाल के इसको दोबारा पैक कर रहे हैं। बाकी जब हमारा सोना बजट होगा ना भाई साहब, फिर हम ये 16 मीटर डाल लेंगे इसमें। ओके हो गया, ओके खूबसूरत हो गया। बाकी इस टाइम उधर भाई आए हैं, उनसे हमने गाड़ी की चाबी बनवानी है। चाबी हमारी जो पहले है ना वो बिल्कुल सादी सी है, अब अपन चाह रहे हैं अच्छी वाली चाबी हो जाए, तो भाई आते हैं उनसे अच्छी वाली चाबी बनवाते हैं। कितने काम हो गए हमारे, लाइटों का हमने छेड़ दिया, मीटर का हमने छेड़ दिया, काम अभी तक हुआ कोई भी नहीं है, छेड़ सारे थी। तो ये थी इसकी पहले चाबी, ये चेक करें आप, ये इसका पहले रिमोट था, ये इसकी पहले चाबी थी, तो अब इसकी बनवाई है हमने ये चाबी, चेक करें। हाँ हाँ, मोड़ा रिवर्स वाली खूबसूरत किस्म की, यहाँ भी आप ऐसे करेंगे तो किशन टाणे, बल्कि अब मैं सोच रहा हूँ इस तरह की और अपने लिए बनवाई जाए, खूबसूरत हो गया ना काम, चेक करें, डिसेंट सी चाबी,
ये थोड़ी अजीब सी लगती थी, ओल्ड स्कूल टाइप की, ये जरा ना पप्पू काम हो गया सूरत। बाकी अभी लाइटें गई हुई हैं, बफ होने वो आ जाएंगी, तो उसके बाद ये सीन है। ओके सीन है। Several days later. Assalamualaikum boys, welcome back. क्या हाल चाल है, ठीक हैं सारे हैं? तो सॉरी बॉयज, अगर हम बात करें अपनी इस गाड़ी की, तो इस गाड़ी की बात भैया जी अबाउट डीलिंग, तो हम बात करेंगे कहीं सुकून से बैठ के, ठीक है। अभी आपका भाई निकला है, इसको यारा जी बैक से ना ड्रॉप हुई हुई है, ये तो बैक से करना है इसको स्टॉक हाइट पे फिलहाल, क्योंकि यारा जी नॉर्मल यूज में मेरा दिल है गाड़ी लेके आई जाए, गाड़ी बड़ी ज़्यादा स्टिफ हुई हुई है, तो मैंने कहा जरा बैक से ड्रॉप कर ले। ओए आपके भाई का नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरे सामने से गुजर रहा है, और भाई ने हल्की आँच पे ना जरा तैयार भी किया हुआ, जरा पप्पू करके हुए हो पीछे बैक प्लेट स्लेट चेंज करके आगे से गाड़ी थोड़ी ड्रॉप करके, क्या बात है, अल्लाह हमें भी देगा, परेशान नहीं होना खैर। तो खैर जी बात इसकी करें, तो ये वजन काफ़ी टाइम से खड़ी हुई थी, हालत इसकी चेक करें तो आप चेक कर रहे हैं कटा मिट्टी, तो इसको ज़रा ना जाके पीछे से स्टॉक हाइट पे कराते हैं, क्योंकि अभी इसने आगे से बूथा बड़ा उठाया हुआ है, जो मेरे ख्याल से अगर पीछे से स्टॉक हाइट पे होगी तो आगे से भी हाइट ना नॉर्मल हो जाएगी थोड़ी, तो ये काम कराने थे, ये करा के चलते हैं जान, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा बिलू भाई के पास चलते हैं, जाके ये काम कराते हैं, बाकी फिर आपको अबाउट डीलिंग इसकी बात शायद करते हैं, आपसे बताते हैं आपको, ठीक है। इतने में आप चैनल ही सब्सक्राइब कर दो, वेले बैठे हो जो। भाग रहे हैं तो भाईजान अभी भी देर है, भगा लो इसको जितना मर्जी। सॉरी बॉयज, वही आ रेड बिल्लू भाई, तो नीचे लड़का घुसा दिया बिल्लू भाई ने, आपको फिलहाल गाड़ी की हाइट दिखाए हम, तो कुछ ऐसे है ड्रॉप लाइफ, तो बिल्लू भाई को मैं कह रहा था इसको कोई 2.5 इंच ऊपर कर दें, ताकि जरा ना थोड़ी सी ऊपर हो जाए, थोड़ी सी इसकी स्टिफनेस कम हो जाए। बाकी बैग से सूरत हाल आपको दिखाएं तो समथिंग लाइक दिस, जैसी ऊपर हो जाएगी ना तो आगे से नॉर्मल हो जाएगी, आगे से बहुत ज़्यादा उठी हुई है यार, पहले वो देख रहे हो, ये देखें बहुत ज़्यादा उठी हुई है आगे से, तो बैक से भी ऐसी हो जाए ना थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, थोड़ी सी पीछे उठ जाएगी, थोड़ी सी आगे हो जाएगी, तो काम ओके हो जाएगा। सो जी बॉय, इस गाड़ी का अपना काम तकरीबन हो गया, जो हाइट हमने ऊपर करानी थी वो हो रही है, बाकी थोड़ा सा रह गया मेरे ख्याल से, फिटिंग रह गई है वो कर रहे हैं, तो बाकी हम बात करें अगर इस गाड़ी की डील की, तो जैसे कि आपको पता है आई थिंक से 2 हफ्ते हो गए हैं मुझे ये सारा, यानी कि रिवील की गाड़ी सेल करनी है ये वो, तो लगी है वाम यार, काफ़ी वाम ने कांटेक्ट किया है, लेकिन बात पता क्या है, कहीं ना कहीं आके ना वो रेट पे बात अट जाती है, तो कुछ भाई भी आपका नीचे है, लेकिन फिर भी ना एक मेजर डिफरेंस भी नहीं रहता कुछ चीज़ों में ना, कुछ 2-3 पार्टियाँ ऐसी हैं जिनके साथ यह कह लो कि आप ज़्यादा गैप भी नहीं है, यानी कि लाख से कम का ही गैप है, तो बात पता क्या यार, देखो मैं जितना मिनिमम आ सकता था ना मैं आया, मैंने भी सारी चीज़ें देख के करना है, तो ये चीज़ है सारी, बाकी इतनी कोई इमरजेंसी नहीं है मुझे गाड़ी बेचने की, इतनी कोई मजबूरी नहीं है मुझे गाड़ी बेचने की, मुझे गाड़ी किसी तरीके से यार अल्हम्दुलिल्लाह कोई तंग नहीं कर रही, तो और बाकी एक और चीज़ है कि ये तो वो वाम थी चलो जो थोड़े सीरियस बायर थे, ठीक है, अभी इसमें से 70% वाम अभी भी इस सारे होने के बावजूद भी चस्का पड़ रही थी, यानी कि आनी ऑफ़र लगानी एक चस्के में लगा देनी सारी, जो बात करीब आनी तो भाग जाना, ठीक है, ये सारी चीज़ थी, तो बड़ी बड़ी वाम यार, मैं बल्कि खुद इस चीज़ से बड़ा इरीटेट होता हूँ कि यार क्या चीज़, अब तो बल्कि मेरा ये सीन था कि बंदा कह रहा था मिट्टी पाव बेचनी नहीं है, ठीक बात है, ऐसे कभी कभी बंदे का ऐसा मूड हो जाता, लेकिन देखते हैं जो होगा बेहतर होगा, ना भी सेल हुई, बल्कि मेरा तो मूड बीच में था, मैं कहा दफ़ा करो यार क्या काम ही कुत्ता है, लेकिन फिर मैंने कहा यार कोई बात नहीं होता है चलता है दुनिया, ये सूरत हाल है बाकी सारी, तो और देखते हैं अभी 1-2 हफ्ता ईद के बाद तक देखते हैं क्या हो गया, बाकी अभी भी आपके भाई ने छोटा छोटा सामान इसको ऑर्डर करना शुरू कर दिया नई लुक के लिए, ठीक है,
तो बल्कि आज भी डिलीवर हुआ होगा कुछ ना कुछ सामान घर। क्योंकि तो मैंने ना कल परसों इसकी पोस्ट लगाई एक फेसबुक के मार्केट प्लेस, नहीं होती वहाँ पे, अब यकीन नहीं करेंगे मुझे 100-150 बंदे ने मैसेज किया। बीच में से कोई बात हो ना, कोई दो भी सीरियस बायर हूँ वो भी नहीं थे, सॉरी वाम जिसका बर्थडे, सॉरी वाम जिसका बर्थडे। एंड में तो आपके भाई ने सिंपल सा ये कर लिया था कि भाई सारे पहले डिमांड तो आता था कि वो कोई बात करें, डिमांड तो आता था खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा मैसेज ही नहीं आता था। तो ये सीन है, बाकी दिस इज़ लाइफ गोइंग। एक अपडेट वीडियो बनानी थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा भाईजान। गाड़ी रेस्टिंग पे खड़ी हुई है घर में, खुद अपने काम से काम रखा हुआ है हमने, जॉब ऑफिस रमज़ान कुछ रूटीन भी ऐसी हुई हुई है, कहीं आना जाना नहीं हो रहा, किसी से कोई मुलाकात नहीं हो रही। तो एक छोटी सी वीडियो बनानी थी, ये हमने बना दी है, बाकी यही सूरत हाल है, बाकी देखते हैं। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह भी पास है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ एक और चीज़, मुझे ना लास्ट मेल के अब्दुल्ला मुझे बता रहा था, अब्दुल्ला को एक बंदे की ऑफ़र आई, खैर उसने बड़ा उसकी एक स्टोरी बनाने का मकसद ये है कि स्टोरी सुनना उसकी ज़रा। उस बंदे ने बड़ी ना यार, एक सीधी मैं आपको एक सीधी बात हूँ, चलो ये 5-6 लाख खा लेने ना, मेरा भरा लित्र पाने ने तुम्हें, तुम ना ही हाजिरी दिया करो, थोड़ी बड़ी मेहरबानी। तो खैर वो बात तो थी, खास तौर पर 5 ले, खैर जी वो बात थी। उस बंदे ने कोई रेट लगाया, कोई पता नहीं 5 लाख रुपये, पता नहीं ऐसे कोई, खैर उसने बंदे ने रेट लगाया अब्दुल्ला। अब अच्छा अब्दुल्ला को मैंने कहा था, मैंने कहा भाई जहाँ बात ना समझ आती है उसको सीधा सॉरी कर दिया कर, इतना आगे डिटेल में जाने की सवालों जवाब करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब्दुल्ला साहब आगे से पता नहीं क्या उसको सफाइयाँ देने लगे, ये वो। खैर उस बंदे ने कहा जी मैंने भी अकॉर्ड तैयार की थी, एक ऑल व्हील कैंपर की थी, बड़े मैंने उस पर ऑटो शो अटेंड किए, बड़ा ये किया बड़ा वो किया, मेरा 17 लाख रुपया खर्चा आया था, 3 लाख रुपए के भाई ने उसमें रिम डाले थे। ऐसी कार्ड है जी आज तक पता भी नहीं है पाकिस्तान की किसी ने कि जी 86 मॉडल कार्ड तैयार हुई, 3 लाख दे रिम लग गए, 17 लाख रुपया खर्चा आया। अल्लाह के बंदे बगाने वाली बगाया कर यार। खैर वो उसने कहा जी 17 लाख रुपया खर्चा आया, एट दी एंड मैंने किया क्या, मैंने जब गाड़ी सेल करनी थी मैंने 12 लाख रुपया उसकी डिमांड रखी, मैंने नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेना था 12 लाख रुपया मैंने इसकी डिमांड रखी और बिकी मेरी जाके फिर भी वो नॉर्मल रेट 5 लाख रुपए पे। या तो भाईजान आपके पैसे हराम के होंगे, ठीक है माजरत के साथ, या फिर वो गाड़ी हराम की होगी, ठीक है। क्योंकि अगर किसी बंदे के हलाल का पैसा हो ना, हलाल का 17 लाख रुपया लगा हो, वो कहता है भाईजान घर में खड़ी रह दूंगा नहीं, ठीक है, और आपने 5 लाख रुपए में दे दी 17 लाख रुपए लगा के हैं। हैट्स ऑफ टू यू ब्रो, हैट्स ऑफ टू यू, बहुत अच्छा लगा हमें ये सुन के, बहुत हाँ सड़ा हमारा ये सुन के। तो ये सूरत हाल थी यार, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, नहीं लगता ना लगे ना ही खड़ी रहे घर में कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह लाल का लगाया हुआ ऐसे नहीं जाने देंगे। तो ये सूरत हाल है, बाकी उम्मीद है आपको छोटी सी वीडियो अपडेट हो, उम्मीद है आपको छोटी सी अपडेट वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। सो जी बॉयस, अब सीन ऐसे है कि इफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो एक तो इफ्तारी का टाइम उतारते हैं, एक और एक काम करते हैं कि इसकी जो बैक लाइटें हैं ये हम उतार लेंगे, बम्पर उतार लेंगे, क्योंकि वर्कशॉप गाड़ी जानी है, बैक लाइटें मैं किसी सूरत भी वर्कशॉप नहीं जाने दूँगा, क्योंकि इनको कुछ हो गया या ये कुछ मसला बन गया इनके साथ, तो या ना ये मुझे नई दोबारा मिलनी है और ना मेरे से जितनी की होती हैं लेनी पड़नी है। तो इसलिए हम सबसे पहले अपनी लाइटें बचाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फ्रेश साफ़ सुथरी अपनी लाइटें हैं, इनको उतारते हैं, बम्पर को उतारते हैं, बम्पर को उतार के लाइटें उतार के ऐसे गाड़ी देऊँगा, फिर जब बाकी सारा क्लियर हो जाएगा तो फिर उल्टा आपको नीचे से दिखाता हूँ उसका हाल क्या हुआ है, वो सारा करके रख के फिर आके घर जब गाड़ी आ जाएगी फिर इसको लाइटें शाइटें दोबारा फिट कर देंगे। सॉरी बॉयज, जाने से पहले आप लोगों को एक अपडेट दे दें, ब्लॉग तो वैसे मैंने एंड कर दिया था, फिर ये सारा मैंने काम कराया तो मैंने कहा किसी ब्लॉग के एंड में एक अपडेट डाल देते हैं। वैसे इसका मैंने थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट किया था, प्रॉपर बना नहीं क्योंकि सारा काम ये रात को हुआ है, सुबह यानी कि रात मैंने इफ्तारी के बाद गाड़ी दी थी और मुझे कोई सारी टाइम मिल गई थी गाड़ी। खैर इन शॉर्ट मैं बात बताऊँ, बात यह है कि जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको मालूम होगा कि ये गाड़ी जब से मैंने ली थी ना तब से ही पीछे से ना एक दफ़ा सारी गली हुई थी। लेकिन एक मैंने बात की थी जिस ब्लॉग में मैंने कहा था ना गाड़ी सेल करनी है, उस ब्लॉग में मैंने एक बात की थी कि जो इसका काम होने वाला है मुझे पता है वो मैं करा के दूंगा। तो इसलिए अब आपके भाई ने इसका जितनी भी गली हुई थी ना जहाँ से भी पीछे से पार्ट वो सारा नया डलवा दिया, चेक कर रहे हैं आप, सारा नया डाल दिया नीचे, चेक कर रही है नतरी कैमरा आपको दिखा रहा होगा कि नहीं, नीचे से सारा पार्ट जो है ना इसका A1 फ्रेश कर दिया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इस गाड़ी में जो गले गुले वाला गंद था ना वो सारा ख़त्म हो गया। तो अभी करना क्या था, अभी करना ये था कि इसको मैंने ना फिलहाल मैं पेंट करने लगा था ब्लैक सादा, क्योंकि वैसे तो इस गाड़ी भी अस्तर शस्तर मार के इसकी ना
प्रॉपर पेंट शेंट होगा, लेकिन वो यार रमज़ान के बाद करेंगे क्योंकि अभी रोज़े चल रहे हैं और ना रोज़ों में इतना टाइम नहीं होता और ना इतना मैनेज होता है कि जाके इसको सारा कराया जाए। तो फिलहाल हम इसी पे गुजारा करेंगे कि इसको एक दफ़ा सिंपल पेंट मार दें ताकि हमारा हफ्ता दो हफ्ता निकाल दे, उसके बाद जाके हम इसकी प्रॉपर सेटिंग वेटिंग करा लेंगे। ये एक छोटी सी अपडेट आप लोगों को देनी थी। अच्छा, ये करा लिया और ये लॉक भी ठीक करा दिया हमने, ये लॉक पहले ख़राब था। गुड।